जनरल एग्जामिनेशन. एक्चुअली बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, पावर जनरल एग्जामिनेशन 3 पॉइंट्स में इट इज इम्पॉर्टेंट. वन इज थियोरेटिकली भी 5 मार्क का पूछा जाता है, व्हाट आर द फाइंडिंग्स यू कैन फाइंड इट इन पावर जनरल एग्जामिनेशन. एंड सेकेंडली इज यू कैन गेट इट इवन इन योर प्रैक्टिकल ऑल्सो, क्या क्या है उसमें पावर जनरल एग्जामिनेशन में चेक किया जाता है. सो पैरामीटर्स क्या क्या पूछ सकता है. एंड थर्डली इज इवन योर केस बुक ऑल्सो हैज अ केस स्टडीज. सो उसमें आपको पावर जनरल एग्जामिनेशन कैसे उसमें भरना पड़ता है. सो इट इज ऑल थ्री टुगेदर, पावर जनरल एग्जामिनेशन इज इम्पोर्टेंट. सो दैट्स वाई आई टुक दिस टॉपिक. एंड प्रैक्टिकली ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट वी हैव अ गो थ्रू दिस. सो वीडियो कंटेंट्स में डेफिनेशन ऑफ द पावर जनरल एग्जामिनेशन देखेंगे और पर्पजेज ऑफ डूइंग पावर जनरल एग्जामिनेशन एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द पावर जनरल एग्जामिनेशन, प्रोसीजर क्या होता है. ओके, वन बाय वन लेट वी मूव अहेड. सो सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द लोअर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन रिलेशन टू द प्रेगनेंसी एंड द लेबर. सो ओके, बिफोर गेटिंग इन टू दैट लेट मी गेट माई पेन. ओके, सो इट इज लोअर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मीन्स इट इज नथिंग बट नीचे वेजेना होता है, राइट, और उसके बाद सर्विक्स, उसके बाद यूट्रस, ये सब कुछ है. प्लस एट द सेम टाइम ये इंपॉर्टेंट है डिलीवरी का समय में. ये बस इंपॉर्टेंट नहीं है, साइड में जो है बोन्स है ना, तो वो भी इंपॉर्टेंट है. कौन सा पार्ट है, क्या क्या है, वो भी देखना पड़ेगा. सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड द लेबर इट हैज टू बी चेक्ड मोस्टली, बिकॉज वो छोटा रहेगा तो सिजेरियन सेक्शन में जाना पड़ेगा. दैट इज वाई पर वजनल एग्जामिनेशन इज बीइंग डन. यू रिमेंबर दिस ओनली वन थिंग इज Q4H, मतलब एवरी 4 आवरली टेस्ट बी चेक, नॉट लेस देन दैट. इट्स ओनली टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. बार बार उसको चेक करने से कुछ नहीं होने वाला है, राइट. सो एवरी 4 आवरली ओनली वी आर सपोज टू चेक इट, सो दैट वी विल अवॉइड दिस इन्फेक्शन इन द पेशेंट्स. ओके, पर्पसेस आर लाइक टू असेस द सर्वाइकल फैक्टर्स. क्या क्या इफेसमेंट इज नथिंग बट अ टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स. ओके, ऑफ सर्विक्स होता है, मींस लाइक जो लोअर यूटरिन सेगमेंट है वो अपर यूटरिन सेगमेंट के साथ मर्ज हो जाती है. डायलिटेशन है जो सर्विकल सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर होती है टोटली, वो है. और पोजिशन ऑफ द सर्विक्स, क्या एंटीरियर है मतलब आगे है, पीछे है, और मिडल में है, क्या है वो देखना है. कंसिस्टेंसी मतलब इट इज थिकनेस, वेदर इट इज वेरी फर्म और थिक और सॉफ्टनेस होता है. डिलीवरी के समय में सर्विक्स पूरा सॉफ्ट होना चाहिए. ओके, टू आइडेंटिफाई द मेम्ब्रेन कंडीशंस ऑफ द मेम्ब्रेन, वेदर इट इज इंटैक्ट और रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है वो देखना है. ओके, एंड टू डिटेक्ट द प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन मीन्स इट इज लाइक द प्रेजेंटिंग पार्ट इन द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस. लोअर पोल ऑफ द यूट्रस में क्या कौन सा वाला प्रेजेंटिंग पार्ट है बेबी का, फिटस का, वो चेक करना है. पोजिशन क्या है, डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर मतलब इट इज अ बोनी पार्ट ऑफ अ प्रेजेंटिंग पार्ट इन द आई मीन पेल्विस के साथ उसका संबंध क्या है. ओके, जो बेबी का जो बोनी पार्ट होता है वो किस पोजिशन पे खड़ा है, दैट आई टेल यू लेटर ऑन. ओके, स्टेशन ऑफ द हेड. ओके, ईस्चियल स्पाइंस के आसपास में वो एक लाइन डाल देंगे, उसके ऊपर रहेगा कितना है क्या है, वो स्टेशन कहता है. डिग्री ऑफ मोल्डिंग मीन्स इट इज ओवरलैपिंग. ओके, सो दिस इज ऑल्सो टू असेस करना है ये दोनों को. और प्रोग्रेस ऑफ लेबर. ओके, प्रोग्रेस ऑफ लेबर होता है जैसे प्राइमरी में क्या होता है, जैसे सर्वाइकल डायलिटेशन के बारे में बता रही हूँ. ओके, सर्वाइकल डायलिटेशन में स्पेशली इट इज लाइक 1 सेंटीमीटर प्रति आर में होता है प्राइमरी में, राइट. बट मल्टी में क्या होता है, इट इज 1.5 सेंटीमीटर आती है प्रति आर पे, राइट. इट इज मल्टी. ओके, दैट वी हैव टू चेक इट लेटर ऑन. ओके, टाइप ऑफ द पेल्विस, लाइक देर आर 4 टाइप्स ऑफ पेल्विस, गायनेकोइड, एंड्रॉयड, एंथ्रोपोइड एंड पैटिपोलॉइड. बट बात ये है हम गायनेकोइड कैसे है, फीमेल पेल्विस कहता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट क्वेश्चन है. विच इज कॉल्ड एज अ गायनेको विच इज कॉल्ड एज अ फीमेल पेल्विस इज अ गायनेकोइड पेल्विस. ओके, इट्स गायनेकोइड पेल्विस, CUID. ओके, सो एंड्रॉयड पेल्विस होता है, मेल पेल्विस होती है, तो उसका और गायनेकोइड पेल्विस में क्या अंतर है वो चेक करेंगे. ओके, एंड देन इज फीटल स्कैल्प इलेक्ट्रोड. सो व्हाट इज दैट, इज फीटल स्कैल्प इलेक्ट्रोड होता है, वो FHR चेक करते हैं. ये इंटरनल मेथड है, एक्सटर्नल भी रखता है यहाँ पर अपडमन के ऊपर. सो हार्ट रेट कहाँ मिलती है यहाँ पर, इसको लगा के इधर सीधा उसको कनेक्ट किया जाता है. दिस इज एन एक्सटर्नल मेथड, बट एक्चुअली जो इंटरनल मेथड है वो सीधा स्कैल्प में लगा देते हैं. तो उसके लिए पी भी करके देखना पड़ेगा, उसके बाद उसको लगाना पड़ेगा. बिकॉज FHR तो पता है, इट्स नॉर्मली इट इज 120 to 160 बीट पर मिनट होती है. कभी कभी वेरिएशंस होती है, सपोज ये बढ़ जाती है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, सपोज वो डिक्रीज हो जाते हैं उसका डिसलरेशन कहता है. सो वो FHR को हम चेक करने के लिए ये वाला स्कैल्प इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है.
ओके, व्हाट आर द पीवी एग्जामिनेशन की इक्विपमेंट्स का जरूरत है? ओके, सबसे पहले एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इज इम्पोर्टेंट, लाइक 1:40% वाला जो सॉल्यूशन है सेवलॉन है वो लेना है, एंड ये एक शीट लेना है, एंड एक स्टेराइल कप ऑटोक्लेव विद गॉस पीस, ग्लव्स चाहिए, और स्पंज होल्डर एज वेल एज दी थंबोसिप्स फॉर पेरिनियल केयर के लिए चाहिए। ओके, पीवी एग्जामिनेशन प्रोसीजर कैसे है? एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। इट्स मोर इम्पोर्टेंट जस्ट बिकॉज पेशेंट कोऑपरेटिव हो, नहीं समझ आती है, इट इज अ मोस्टली प्राइवेट पार्ट, डिग्निफाई, राइट? आई मीन वी हैव टू गिव रेस्पेक्ट टू द पेशेंट एंड वी हैव टू टेल द पेशेंट टू कोऑपरेट, ओके, एंड प्रोवाइड प्राइवेसी। लेबर रूम में वहां पर 10 पेशेंट इधर रहेगा, 10 पेशेंट इधर रहेगा, तो ठीक है, वो भी पेशेंट ये भी पेशेंट है करके ऐसे नहीं करना है। वी हैव टू गिव अ रेस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, इवन इफ इट इज गोइंग टू बी न्यू बॉर्न बेबी और चिल्ड्रन और वॉट एवर इट इज, दे हैव द रेस्पेक्ट। सो अडल्ट है, इनका देना ही देना है। ओके, शी हैज अ पेन एंड शी हैज कम हियर टू गेट योर केयर। असिस्ट टू एम्प्टी द ब्लैडर, ब्लैडर एम्प्टी नहीं है तो कोई भी फाइंडिंग्स उसमें सही नहीं दिखाई देगा, तो आस्क टू एम्प्टी द ब्लैडर, अदरवाइज K90 से आपको ब्लैडर को एंट्री करना पड़ेगा, उसके बाद बीबी करके देखना है। सो बीबी करते समय में कैथेटर नहीं होना चाहिए। पोजिशन हर इन द लिथोटोमी पोजिशन, सो दिस इज द वे यू आर सपोज टू डू दैट। स्क्रब योर हैंड्स एंड वेयर द ग्लव्स। गिव अ पेरिनियल केयर यूजिंग द एंटीसेप्टिक सोल्यूशन अगेन एंड अगेन। आई विल गिव अ लिंक, ओके, लिंक नीचे रहेगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, उसमें दे दूंगी पेरिनियल केयर कैसे देना है, और सो दैट प्रोसेस यू आर सपोज टू गिव द पेरिनियल केयर। लुब्रिकेट द फिंगर्स विद सेवलॉन जेली और जाइलोकिन जेली इज ऑल्सो गुड, जाइलोकिन, ओके, वाई जाइलोकिन जेली में क्या फर्क है? इसमें एक्चुअली लोकल एनेस्थेटिक कैसे काम करेगा, लुब्रिकेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ग्लव्स में ऑलरेडी लैटेक्स के पाउडर तो होते हैं, उसमें फ्रिक्शन नहीं होगी, बट बात यह है वी डोंट नॉट नो हाउ फार दैट्स मे इंजर द पेशेंट, सो ये डालेगा लुब्रिकेंट लगाएंगे तो फ्रिक्शन होने का चांसेस नहीं होगी, सो दैट विल बी बेटर दैट यू आर गोइंग टू यूज दैट। इंट्रोड्यूस योर मिडल एंड द इंडेक्स फिंगर फॉर एग्जामिनिंग योर हैंड इनटू द वजाइना। ओके, सो दिस इज द पिक योर लाइक, ओके, दिस इज एन इंडेक्स फिंगर एंड सॉरी दिस इज इंडेक्स फिंगर एंड दिस इज द मिडिल फिंगर, ओके, इंडेक्स एंड द मिडिल फिंगर। रिमेम्बर उंगलियां, आई मीन अलग अलग लेंथ होते, किसी किसी के मोट आई मीन फैटी हो और जो भी हो, सो अप्रोक्सीमेटली द पर्सन हु इज गोइंग टू डू पीवी कंटिन्यूअसली दे विल हैव एन एक्सपीरियंस हाउ मच सेंटीमीटर इट इज, लाइक 1.5 सेंटीमीटर फॉर वन फिंगर सम पीपल मे हैव इट, एंड टू फिंगर्स विल कंस्टिट्यूट 3 to 3.5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ओके, डिपेंड्स, सो द पीपल हु आर डूइंग इट रेगुलरली विल हैव एन एक्सपीरियंस, दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट प्रॉपरली। Encourage the mother to take a deep breath and relax during the examination. That's more important. They have to take a deep breath and उस समय में deep breath लेगा तो एक तो they will feel reduced pain. Assess the cervical factors such as effacement. Effacement again is nothing but taking up of the cervix. Okay, taking up of the cervix and dilatation. Let me know about this what it is. अगेन दिस इज टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स का मीनिंग क्या बोला था? इफेसमेंट, दिस इज अ शॉर्टेस्ट डेफिनेशन दैट यू आर सपोज टू नो, अदरवाइज यू कैन से इट इज लाइक लोअर यूट्राइन सेगमेंट मर्जिंग, इट इज मर्जिंग टू द मर्जिंग विद द अपर यूट्राइन सेगमेंट, ओके, सो दैट इज अनदर डेफिनेशन दैट यू कैन यूज इट फॉर द इफेसमेंट। सो आई कुड शो यू ओवर हियर, वेट लेट मी शो यू, ओके हियर, सो ये जो है ये जो यू ये वाला जो है, ओके, सर्विक्स, ये पूरा पूरा लोअर यूट्राइन का सेगमेंट है, वो पूरा इसके साथ वो मर्ज होती है, सर्विक्स पूरा वो मर्ज हो जाती है। सो दिस इज फॉर द प्राइमरी ग्रेविडा एंड दिस इज फॉर द मल्टी ग्रेविडा। सर्विक्स बिफोर द लेबर इज दिस एंड मल्टी पैरा पे इट इज अ पैटुलस, पैटुलस का मीनिंग इट इज ओपन, और एक्सपैंड का मीनिंग है इसका, इसका मतलब ये है, सी लुक एट दिस वन, इसको लेबर पेन के पहले ये पूरा थोड़ा से खुला है, ओके, सो यू कैन से दैट पेशेंट स्टार्टेड हैविंग लेबर पेन और समथिंग लाइक दैट, ओके, आई मीन द लेबर हैज स्टार्टेड, सो इट इज ऑलरेडी विल बी लाइक दैट ओनली। नेक्स्ट इज लाइक प्रोग्रेसिव टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स विदाउट मच डायलिटेशन, देयर इज नो डायलिटेशन एट ऑल ओवर हियर, लुक एट दिस वन, बट स्टिल टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स है, यहाँ पर इधर थोड़े से
वो मर्ज हो गया, इसका लेंथ थोड़ा से कम हो गया, ऊपर से नीचे देखो इतना लंबा था, यहाँ पर इतना छोटा हो गया। ओके अगेन दिस इज मल्टीपैरा प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव प्लस साइमल्टेनियस डायलेटेशन टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स अकर्स ओवर हियर, एंड हियर द सर्विक्स कंप्लीटली टेकन अप विद एक्सटर्नल लॉस स्टिल रिमेनिंग अनडायलेटेड। सी सो दैट्स व्हाट हैपेंस ओवर हियर इन प्राइमरी एरा बेटा, पहले इफेसमेंट होती है उसके बाद यहाँ पर डायलेटेशन होती है, बट यहाँ पर वैसी नहीं है, यहाँ पर डायलेटेशन पहले हो चुकी है, सॉरी साथ साथ होती है, डायलेटेशन पहले होती है और उसके साथ साथ में इफेसमेंट भी होती है। So we read about effacement and the dilatation. So let me know about the position and consistency also. उसके पहले बिशप स्कोर है, इसके बारे में ये भी 5 मार्क आता है। ओके 5 मार्क क्वेश्चंस, रिमेम्बर दिस, बिशप स्कोर बोलेगा तो ये टेबल जो है इसको भी उसको लिखना पड़ेगा, बिशप स्कोर। सो व्हाट इज अ बिशप स्कोर मीन्स, इट इज लाइक अ प्री इंडक्शन, प्री मतलब पहले, इंडक्शन का मतलब इनिशिएशन, इनिशिएट व्हाट टू इनिशिएट, ओके इनिशिएट क्या इनिशिएट करना है, सो दे हैव टू इनिशिएट दी लेबर। ओके जिसका दर्द ही नहीं हो रहा है, टाइम हो गया है उसके बाद, मतलब उसको बहुत जरूरी है लेबर को, मतलब लेबर करवा के डिलीवरी करवाना ही इंपॉर्टेंट है, इन दैट केस दे डू अ प्री इंडक्शन सर्वाइकल स्कोरिंग। सर्विक्स की पूरे एक स्कोर दिया जाता है, नंबर भी दिया जाता है, सो ना मॉडिफाइड वन। सो क्या क्या पैरामीटर्स, इसमें दो चीज चेक किया जाता है, एक सर्विक्स का एक फीटल हेड का। सर्विक्स में क्या क्या चेक किया जाता है, डायलिटेशन एंड सेंटीमीटर्स। ओके डायलिटेशन इन सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टोटली 10 सेंटीमीटर होती है ना, राइट। सो इफेसमेंट मतलब टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स, उसको 100% का हिसाब से मेजर किया जाता है। कंसिस्टेंसी एंड पोजिशन चेक करना है, लास्ट में स्टेशन चेक करना पड़ेगा फीटल हेड में। सो इसका स्कोर है 0, 1, 2 एंड 3 होता है। सो टोटल स्कोर कितना होगा, सो हमने पहले डायलिटेशन देखा था, यहाँ 2 इफेसमेंट, 3 इज कंसिस्टेंसी, 4 इज पोजिशन एंड 5 इज स्टेशन। सो टोटल स्कोर कितना हमने देखा यहाँ पर, इट इज 13, सॉरी 3। सो इट इज 5 इंटू 3 इज नथिंग बट टोटल 15 आना चाहिए टोटल स्कोर, बट टोटल स्कोर ओनली 13 आता है, आई विल टेल यू व्हाई इट इज। ओके लेट मी गो वन बाय वन एंड हैव अ लुक एट दैट। डायलिटेशन यहाँ पर 0 स्कोर है, क्लोज होती है 1 में 1 टू 2 सेंटीमीटर होती है, 2 में 3 टू 4 होती है, लास्ट में 5+ होगा, ये 3 स्कोर हो गया। बट यहाँ पर इफेसमेंट होती है, इट इज 0 टू 30% एंड 40 टू 50% एंड 60 टू 70 2 स्कोर, फाइनली द टोटल स्कोर अबव 80 होगा, इफेसमेंट इसको 3 स्कोर देता है। ओके फाइन, कंसिस्टेंसी इज आई टोल्ड यू, इट इज थिकनेस के बारे में चेक किया जाता है, व्हाट इज थिकनेस इज, इट इज लाइक पीवी करते समय में उसको हार्ड है ये क्या है चेक करते हैं, फर्म रहेगा हार्ड रहेगा उसको फर्म कहता है, अगर 0 स्कोर मीडियम रहेगा हाँ इट इज लाइक इन बिटवीन हार्ड एंड इन बिटवीन सॉफ्ट, सॉफ्ट रहेगा 2 स्कोर हो गया। सो यही पर ही उसको टोटल स्कोर दिया जा रहा है, सो यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, इसलिए ये 3 में 1 स्कोर कम हो गया, राइट -1 हो गए। ओके फाइन एंड पोजिशन, पोजिशन में कहाँ पर है, पोस्टीरियर इट इज मिड लाइन और एंटीरियर एंड दिस इज ऑल्सो यहाँ पर ही खत्म हो जा रहा है 2 स्कोर में, यहाँ पर है नहीं, सो दैट इज वॉज -1। तो टोटल अभी 15 में -2 हो गया, इट इज 13 स्कोर हो गया। ओके लेट मी सो सी अबाउट व्हाट इज द पोजिशन इज, पोजिशन है दिस इज अ नॉर्मल पोजिशन राइट, सपोज यहाँ पर फीटस है, यहाँ पर ग्रो होते जा रहे हैं, सपोज ये पोस्टीरियर पोजिशन है ये। सो जैसे जैसे लेबर बढ़ते जाएगा तो ये क्या होगा, ये मिडल में आ जाएगा यहाँ पर, और धीरे 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 बेबी डिलीवर होते समय पे वो सीधा सीधा आ जाएगा, तो ये होगा एंटीरियर में आ जाएगा। सो दैट इज वाई इट इज सेड लाइक पोस्टीरियर पीछे रहेगा और बीच में मिडल लाइन में आएगा, जैसे बच्चा बाहर निकल के आते समय वो एंटीरियर में आ जाएगी, दैट इज वाई पोजिशन ऑफ द सर्विस का स्कोर दिया जाता है। ओके बिफोर दैट स्टेशन, स्टेशन के बारे में भी चेक करना, व्हाट स्टेशन इज, दिस इज इस्चियल स्पाइंस राइट, इस्चियल स्पाइंस के साथ में सीधा एक इमेजिनरी लाइन बनाना पड़ेगा, तो वहीं पर पीवी करते समय में चेक करेंगे तो यहाँ पर फीटल हेड कहाँ तक पहुंचा है वो पता चल जाएगा, राइट। सो इफ इट इज इस्चियल स्पाइंस के आसपास में फीटल हेड है तो उसको 0 रहता है, और उसके ऊपर है इट इज माइनस में जाता है, -1, -2, -3, -4, -5, बट एट द सेम टाइम ये नीचे आएगा, +1, +2, +3, +4 आता है। सो नाउ अल्टीमेटली इसका फीटल हेड की स्टेशन है 0, -3 में होता है, और -2, 1 स्कोर दिया जाता है, और -1 और 0 इन 2 स्कोर एंड फाइनली +1 और +2 इज इन 3 स्कोर। सो टोटली ये बिशप स्कोर है, सो वेन एवर यू गोइंग टू गेट अ 5 मार्क क्वेश्चन ये टेबल आपको लिखना पड़ेगा, राइट। ओके
समटाइम दे मे आस्क यू द पैरामीटर्स ऑल्सो, पैरामीटर्स पूछा जाएगा, वही डायलिटेशन आई मीन सर्विक्स में क्या क्या चेक किया था, डायलिटेशन एंड इंक्रीजमेंट इज कॉमन, कंसिस्टेंटली पोजिशन बस याद रखना है, और फीटल के हेड में स्टेशन चेक करना है. टोटल स्कोर कितना है, एज आई टोल्ड यू इट इज 13 स्कोर एंड फेवरेबल होता है. ओके फेवरेबल मीन्स इट इज 6 to 13 स्कोर. ओके 6 के ऊपर ही होगा उसका फेवरेबल कहते हैं, अनफेवरेबल होते 0 to 5 होता है. सो वी दे कैन डू एनीथिंग विद अ 0 to 5, दे वोंट स्टार्ट इट एक्चुअली. ओके फाइन. इन 1991 इफेसमेंट का जो परसेंटेज जो है ये रिप्लेस किया गया है सर्वाइकल लेंथ का. सो डू यू रिमेम्बर दैट सर्वाइकल जो लेंथ है उसको अराउंड 2.5 सेंटीमीटर मोस्ट ऑफ द बुक्स बोलते हैं, बट बात ये यहाँ पर इट इज को 4 सेंटीमीटर तक दिया गया है. सो इफेसमेंट था. ओके दिस इज वॉट ओके इफेसमेंट था, इट इज रिप्लेस बाई दी सर्वाइकल लेंथ में बना गया. और सो ये ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर है, मीन्स इट इज नॉर्मली एवरेज इज 4 सेंटीमीटर. इट डिफर्स विद द पीपल राइट, जो लंबा है उसको लंबा रहेगा, जो छोटा है छोटा रहेगा, डिफर्स विद द पीपल. बट 2 to 4 सेंटीमीटर इज वन स्कोर एंड 1 to 2 सेंटीमीटर इज दिस थिंग. आधा का आधा हो गया 2 सेंटीमीटर, और आधे के कम हो जाएगा इसका लेस देन 1 सेंटीमीटर में 3 स्कोर दिया जाता है. ओके दैट इज द डिफरेंस दैट बिशप स्कोर इज. सो विद दैट वन विल बी एबल टू नो अबाउट द पोजिशन. ओके पोजिशन हम लोग ने देख लिया और कंसिस्टेंसी भी देख लिया राइट. सो नेक्स्ट वन इज चेकिंग फॉर द मेम्ब्रेन्स. विद द मेम्ब्रेन्स क्या होता है, एक इंटैक्ट होता है. इंटैक्ट का मीनिंग है अभी तक रप्चर नहीं हुआ है, बट रप्चर हो जाता है उसको बोलता है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. सो प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कब होता है, लेबर की पहले ही. लेबर कब होती है, पेन आना चाहिए राइट. पेन आने के बाद ही जो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो रहा है यू कॉल इट एज रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, बट उसका प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है. ओके सो पी आर वाई एम कहता है. सो पी आर वाई एम इज नॉट गोइंग गुड. ओके लेट मी टॉक ओनली अबाउट दिस वन, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. सो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन आ रहा है तो हमको एमनियोटिक फ्लूड भी चेक करना पड़ेगा. ओके क्योंकि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में फ्लूड भी बाहर आती है राइट. ये यहाँ पर सबसे पहले नॉर्मल कलर क्या होता है, क्लियर, इट इज वेरी क्लियर एंड टिंक्ड येलो, मीन्स लाइक अ स्ट्रॉ कलर कहते हैं ना, हे कलर स्ट्रॉ कलर जो बोलते हैं ना, प्लाज्मा का जो कलर है राइट. ओके सेम थिंग है राइट. या इट इज लाइक प्लाज्मा कलर. ओके प्लाज्मा ऑल्सो पीला पीला लाइट पीला होती है. सो सेम कलर ये एमनियोटिक फ्लूइड भी दिखाई देगा, बट इसमें मेकोनियम स्टेन्ड होती है ग्रीन कलर मेकोनियम, बिकॉज मेकोनियम इज नथिंग बट अ फर्स्ट स्टूल विच इज पास्ड बाय द फीटस. यूजुअली ये 24 वीक्स का आसपास में उसका जीआई में वो फीटस में वो बैठने लगता है. ओके उसमें कुछ नहीं है, उसमें जो बच्चे को जो पुराना सेल्स एक्सफोलिएटेड सेल्स कहते हैं और उसका जो हेयर लैनुगोस वगैरह उसमें पूरा वो क्या करते हैं वो मेकोनियम बन के वहाँ पर 24 वीक्स में वो जीआई में रह जाती है. बट बात ये है जब बच्चा डिलीवरी हो जाएगा तभी वो 24 घंटा अंदर उसको पास करना पड़ेगा. बट बात ये है जब इट इज इन द वेन इट इज इन द व्हाट इज दैट रप्चर नहीं हुआ है, मतलब कोई मतलब अंदर ही है. सो क्या होगा, कभी कभी फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है, मतलब उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है. ओके कष्ट उठा रहा है बेबी, तो समय में क्या करेगा, उसका वेगल नर्व जो काम करने के बाद उसको पूरा डिफिकेट कर देता है, स्टूल पास कर देता है. सो वो क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड पूरा पूरा मेकोनियम स्टेंड होगा. एक्चुअली मेकोनियम की क्या प्रॉब्लम है, वो तो पानी ही है, वो भी लिक्विड है, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड भी लिक्विड है, उसमें इसमें कर दिया क्या फायदा, क्योंकि वो जो भी यूरिन कर रहे हैं वही वो 9 महीना पीते रहता है राइट, पीता है और फिर यूरिन करता है. बट बात है इसमें प्रॉब्लम मेकोनियम में है, इट इज थिक थिक होता है, थिक फ्लेक्स मीन जैसे मटर का जो सूप आपने देखा होगा ना, जैसे बनाया मतलब थिकनेस है उस प्रकार की इसमें भी होगा. तो वो क्या करेगा, बच्चा अचानक उसको लंग्स में पहुंच गया, सो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर द बेबी टू सर्वाइव ऑल्सो. सो एमनियोटिक फ्लूवर में ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए. सो मेकोनियम स्टेन्ड है इसका मतलब वो पास हो गया. ओके और रिमेम्बर दैट इज गोइंग टू बी फिटल टेस्टिस. बट बात ब्रीच प्रेजेंटेशन पे, ब्रीच और ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन में कभी कभी हाथ डालते डालते वो एनस में पहुंच जाता है, तो उस समय में पास कर लिया है दैट इज ओके, दैट इज नॉट गोइंग टू बी ए फीटल ड्रेस डिस्ट्रेस इवन ट्रांसवर्स में भी. ओके सो बेबी यहाँ पर है तो पीवी कर दिया, तो यहाँ पर तो सीधा डाल दिया तो मेरे को नहीं पास हो गया, दैट इज नॉट गोइंग टू बी ए फीटल डिस्ट्रेस. फीटल डिस्ट्रेस इज ए सम अदर पोजिशन अदर देन द ट्रांसवर्स इन द ब्रीच, वो समय में नहीं होना चाहिए. एंड द नेक्स्ट वन इज अ गोल्डन कलर. गोल्डन कलर इज आर एच इनकम्पैटिबिलिटी.
मीन्स माँ का आरएच नेगेटिव था और बेबी का पॉजिटिव था, तो क्या होगा, जो माँ का पहली बार जो आरबी इम्यूनोग्लोब आईजीजी जी आती है प्लासेंटा का थ्रू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें पहचानते, क्या करता है वो जाके माँ को कंप्लेन कर देता है वो एंटीजन करके, तो दूसरा बार में बेबी को ये करवाएगा, मतलब बेबी का जो आरबीसी के ऊपर वो डिस्ट्रॉय करेगा। सो डिस्ट्रॉय का मतलब है हीमोलाइसिस कहता है, दैट्स अ ब्रेक डाउन ऑफ दी आरबीसी कहता है, राइट। ओके, हीमोलाइसिस ऑफ फीटल आरबीसी होती है, तो अल्टीमेटली आरबीसी का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज बिलीरुबिन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, राइट। सो बिलीरुबिन तो यही है जॉन्डिस की, है ना, तो सेम गोल्डन कलर तो रहेगा ही वो। सो एमनियोटिक फ्लूइड क्या करेगा, एमनियोटिक फ्लूइड इज लाइट येलो होना चाहिए, बट बात यहाँ पर गोल्डन येलो इज थोड़ा बहुत डार्क है, तो इन दैट केस यू हैव टू कंसिडर इट एज आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। ग्रीनिश येलो सैफ्रॉन, ओके, केसर को बोलता है ना, केसर है ना, तो ग्रीनिश थोड़ा बहुत येलो। ओके, सो पोस्ट मेच्योरिटी मीन्स लाइक 42 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बाद जो बच्चा पैदा होता है ना, तो उसी को पोस्ट मेच्योरिटी कहते हैं, उस बेबीज में एक ग्रीनिश येलो कलर की दिखाई देगी, और डार्क कलर्ड एंड कंसील्ड एक्सीडेंटल एमरेज, कंसील्ड माने बाहर नहीं दिखाई दिया है, इसका सील हो गया अंदर ही, ठीक है, बट बात ये डार्क कलर है वो, ओके, इज ड्यू टू दी कंटामिनेशन ऑफ द ब्लड। सो कभी कभी डार्क निकलती है, जो पुराना ब्लड बाहर निकलती है ना, तो डार्क कलर ही दिखती है उस प्रकार की। डार्क ब्राउन कलर होती है, इट टोबैको जूस, तंबाकू जो जूस है उस प्रकार की एमनियोटिक फ्लूइड दिखाई दिया है, उसका मतलब है आईयूडी, इट इज इंट्रा यूटराइन डेथ, इंट्रा यूटराइन डेथ होती है। ओके, सो दिस इज अ डार्क कलर एंड बिकॉज ऑफ ओल्ड हीमोग्लोबिन के कारण से हो रहा है। ओके फाइन, मेम्ब्रेन्स के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया, सो लेट मी नो अबाउट द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को क्या कहता है, जो लोअर पोल ऑफ द यूट्रस में फीटस पार्ट कौन सा वाला है, राइट, आई मीन द प्रेजेंटिंग पार्ट व्हिच इज प्रेजेंट इन द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एज अ प्रेजेंटेशन, राइट। सो सेफेलिक प्रेजेंटेशन का मतलब, जो लोअर पोल ऑफ द यूट्रस में क्या था, सेफेलिक था, हेड था, दिस इज अ वर्टेक्स वेल फ्लेक्स्ड हेड, लुक एट दिस वन, इसका चेस्ट में देखो कितना, यहाँ पर कोई गैप ही नहीं है। यहाँ पर वर्टेक्स है थोड़ा बहुत, यहाँ पर डिफ्लेक्स्ड हो गया, देखो यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, राइट, बट ये भी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ही है, बट यहाँ पर ब्रो पहले दिखाई दे रहा है, से लुक एट दिस वन आई ब्रो, राइट, दिस पार्ट इज सीन ओवर हियर, बट टोटली ये पूरा फेस दिखाई दे रहा, सी दिस वन इज डिफ्लेक्स्ड, कितनी जगह बढ़ा दिया, और यहाँ देखो पूरी बना लिया, डिफ्लेक्स्ड हो गया, सो फेस प्रेजेंटेशन है। सो कैसे पता चलेगा, पीवी करते समय में यहाँ पर जो पोस्टीरियर में तो ट्रायंगल, यहाँ पर तो एंटीरियर में तो ब्रिग्मा दिखाई देगा, सो कौन सा पोजीशन है, आराम से इसमें थोड़ा पता चल जाती है हमको पोजीशन कैसे, इस प्रकार इसी के बेसिस में दिखाई देगा, सो वील बी एबल टू फाइंड दिस वन इज समवेयर पीछे चला गया, राइट। सो सेम फेस में तो यू विल बी एबल टू नो द नोज और माउथ ऑल्सो, समटाइम उंगली डालेंगे तो उसमें शक करने भी लगेगा। सो ब्रीच प्रेजेंटेशंस पे फ्रैंक ब्रीच, कभी कभी ग्लव्स यहाँ पर डाल दिए तो वो पूरी मेकोनी भी दिखाई देगा हाथ में उंगली पे, दिस इज अ इनकम्प्लीट ब्रीच भी कहता है, दिस इज अ कंप्लीट ब्रीच, सो ये भी एक पोजिशन है, ये भी पता चल जाती है, और दोनों सॉफ्ट भी है ये सेक्रल पूरा, बट सेफालिक रहेगा, हार्ड रहेगा, एंड मोर ओवर आपको तो वो ब्रेग्मा और वो ऑक्सीपुट दिखाई देगा पीवी करते समय में, और अगेन यहाँ पर फुटलिंग होती है, पैर दिखाई देगा, ओके, दिस इज अ वन फुट विल बी देयर, राइट। शोल्डर प्रेजेंटेशन, सो पीवी करते समय में क्या दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, इट इज नाइदर द हेड और दिस वन, बट कंटिन्यूसली वेरी सॉफ्ट वन, सो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, थोड़ा सा उंगली अंदर ट्राई करेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पर ये भी दिखाई देगा, सो दिस इज व्हाट द शोल्डर इज। हैंड प्रेजेंटेशन भी होता है, पीवी करते समय में हाथ दिखाई देगा, सो यू कैन, सो इट इज प्रोलैप्स होता है, जो बाहर निकल के आएगा तभी कहेंगे, बट प्रेजेंटेशन है, ये कॉर्ड प्रेजेंटेशन है, अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आ जाती है, दिस इज गोइंग टू बी एन ऑब्स्ट्रिकल इमरजेंसी, कभी भी बच्चे को कुछ भी हो सकता है, सो ये भी पता चलता है, ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पर पल्स में लगा पता चल जाएगा। सो दिस इज अ कॉम्पाउंड प्रेजेंटेशन, कॉम्पाउंड मीन्स एक के ऊपर जो दो प्रेजेंटिंग पार्ट होती है, एक तो सेफेलिक हो गया, एक तो हाथ हो गया, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज कॉम्पाउंड प्रेजेंटेशन। सो
सो नेक्स्ट वी हैव टू सी अबाउट द पोजिशन, कौन सा पोजिशन है। इफ द पेशेंट इज टू गोइंग टू स्टैंड लाइक दिस, उनका पेल्विस ऐसी रहेगी। ओके सो लेट वी जूम इट एंड सी व्हाट इट इज, इस प्रकार की रहेगी, राइट। सो लेट वी हैव अ लुक एट दिस वन। ओके सो हियर इट इज, या जो ब्लू कलर है, दिस इज ऑलमोस्ट चांसेस नहीं है नॉर्मल होने के लिए, बट बात ये तीनों नॉर्मल होने का चांसेस है। आई टेल यू व्हाई इट इज, बट ये तीनों इज अ पोस्टीरियर पोजीशंस। इट इज पोस्टीरियर पोजीशन में चांस, आई मीन वेरी डिफिकल्ट फॉर द मैकेनिज्म ऑफ लेबर टू अकर। सो कौन सा पोजीशन है, लेट मी सी अबाउट दिस। नॉर्मल पोजीशन हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एल्बो ए, एल्बो ए, राइट। दिस इज अ कॉमन पोजीशन, इट्स बीन आई मीन नॉर्मल पोजीशन फॉर नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी। इट इज सो लेट वी हैव अ लुक एट दिस, पहले क्या है। सो ये देखो, ये ऑक्सीपुट है, ट्राइंगल पे है, ये वाला क्या है, ये वाला जो ब्रेग्मा है, राइट, ये पोजिशन पे। सो हमने बोला है द डिनोमिनेटर, द प्रेसेंटिंग, जो बोनी पार्ट जो भी है वो फीमेल पेल्विस की जो किस पोजिशन में पड़ा है। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज पोजिशन। ओके कौन सा पोजिशन है, ए स्टैंड फॉर, इट इज एंटीरियर, राइट। और अगेन पी स्टैंड फॉर, इट इज पोस्टीरियर। ओके एंड अगेन ओ स्टैंड फॉर, वेयर इज दिस, ओके ओ स्टैंड फॉर, इट इज ऑक्सीपुट, राइट। ओके ऑक्सीपुट कहाँ पर है, ये एंटीरियर में है, राइट। सो ये लेफ्ट है, ये राइट है, इस साइड में लेफ्ट है, इस साइड में राइट है, बस इतना ही डिफरेंस है। ओके सो टी स्टैंड फॉर ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कहते हैं। ओके सो फाइन, सो यूजली ये पोजिशन में नहीं रहते हैं, दिस इज द ओनली पोजिशन बेबी कैन बी, एंड दिस इज अनदर पोजिशन बेबी कैन बी। ओके लेट मी मूव अबाउट वन वन पोजिशन एंड लेट मी टेल यू, दिस इज ऑक्सीपुट यहाँ है, इसलिए एंटीरियर में सीधा बोल रहे हैं, बट यहाँ पर इसके बीच में है, इट इज नाइदर एंटीरियर नॉट द ट्रांसवर्स, इसके बीच में है। सी लुक एट दिस वन, इट इज नाइदर हियर नॉर हियर, इट इज एन एंटीरियर, सो बीच में है, इट इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लेफ्ट ऑक्सीपुटो एंटीरियर। ओके ट्रांसवर्स मतलब सीधा हॉरिजॉन्टल में देखेंगे, यहीं पर है, इसको लेफ्ट ऑक्सीपुटो ट्रांसवर्स। ओके यहाँ पर पोस्टीरियर में पहुंचेगा, इट इज अगेन लेफ्ट साइड में है ऑक्सीपुट, पोस्टीरियर बिकॉज इट इज ऑन द पोस्टीरियर पार्ट। ओके रिमेम्बर दिस, पोस्टीरियर कब होती है, आधा की ऊपर होती है पोस्टीरियर, एंटीरियर होते आगे की होती है। ओके सो दिस इज एन ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, एंड अगेन दिस वन इज यहाँ पर है, ये पोस्टीरियर साइड में है, अगेन दिस इज ऑक्सीपुट एंड दिस इज राइट। सो ये ऑक्सीपुट कहाँ पर है, ट्रांसवर्स में, इसलिए राइट ऑक्सीपुटो ट्रांसवर्स पोजिशन है, और दिस इज एंटीरियर पोजिशन है। होप यू अंडरस्टूड अबाउट द पोजिशन वेरी वेल। सो चेक द लेवल ऑफ द प्रेसेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस। सो हमने स्टेशन पढ़वाया था, कहाँ पर है क्या, स्टेशन के अनुसार में आपको कहाँ पर है प्रोग्रेस पता चल जाता है। डिग्री ऑफ मोल्डिंग, मोल्डिंग को क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग। सो लेट वी हैव अ लुक एट दिस वन, इज द बोन्स ऑफ द फीटल हेड कैन मूव क्लोजर टुगेदर और ओवरलैप। ओके दे कैन कम क्लोजर टुगेदर एंड ओवरलैप टू हेल्प द हेड फिट। ओके हेड कैसे फिट करना पड़ेगा, वो पेल्विस के अंदर में आराम से घुस के बाहर आए डिलीवरी का करते समय में, तो वो तब क्या होता है, जो ये पेराइटल बोन है, राइट, ये पेराइटल बोन है, ये दोनों ये ओवरलैप हो सकता है। ओके दिस इज अ सजिटल सूचर, लॉन्जिटुडिनल सूचर, एंड दिस इज ऑक्सीपुट एंड दिस इज अ फ्रॉन्टल, एक दूसरे से थोड़ा से वो क्या करेगा, दिस विल कैन ओवरलैप। ओके दिस इज ऑल्सो पेराइटल, दिस इज अ फ्रॉन्टल, ओके दिस इज अ फ्रॉन्टल एंड दिस इज ऑक्सीपिटल। सो दिस इज कॉल्ड एज अ मोल्डिंग। मोल्डिंग पे ओनली वन बाईपैरेटल डायमीटर कितना होता है, इट इज नॉर्मली इट इज 9.5 सेंटीमीटर इज अ बाईपैरेटल डायमीटर, बट बात 1 सेंटीमीटर तक उसको थोड़ा से कम होने का चांसेस होती है जब मोल्डिंग होता है तब। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ ब्रग्मा, इट इज लाइक आराम से स्पेस है, ऑक्सीपुट भी आराम से स्पेस है, इसलिए जीरो है, बट बात यहाँ पर उसको थोड़ा कम हो गया पहला वाला से, सो इसलिए +1 है, और यहाँ इसको और कम हो गया है, इसमें थोड़ा सेम बराबर दिख रहा है, बट बात है ये और कम हो जाता है, दिस इज +2 सेकेंड डिग्री, एंड थर्ड डिग्री होता है, ये देखो यहाँ पर ब्रह्मा दिख ही नहीं रहा है। ओके ब्रह्मा की जो है 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर आसपास में होती है, राइट। ओके सो देखो यहाँ पर बिल्कुल जगह ही नहीं दिखा है, सो इट्स ओवरलैप्ड। सो यहाँ पर इट इज लाइक ऑक्सीपिटो पेराइटल मोल्डिंग इज नॉर्मल, स्पेशली लेट स्टेजेस, मतलब जब डिलीवरी होते समय में ये थोड़ा बहुत नॉर्मल है,
बट ये इसका मतलब है बेबी पूरी पूरी एक्सपायर्ड हो गया, तो इसलिए उस प्रकार की होती है। दिस इज अ प्रिंसिपल्स ऑफ मोल्डिंग ऑफ फिटल है। सो क्या करेगा, ये गोल जो चक्कर बनी है वो धीरे धीरे इस गोल का जैसे बन जाएगा, इस प्रकार की बन जाएगा। दैट इज व्हाट द थिंग इज। ओके, डिग्रीज ऑफ मोल्डिंग क्या है दिखा देंगे। दिस इज नो मोल्डिंग, सो लुक एट दिस वन, दिस इज अ ब्रेग्मा। ओके, सो यहाँ पर स्पेस है, राइट, देयर इज नो मोल्डिंग। सजिटल सुचर्स अपोज नहीं हो रहे, एक दूसरे ऊपर से पास में नहीं आ रहा है। एंड हियर इट इज, यहाँ स्पेस देखो थोड़ा बहुत कम हो गया, सो इसको +1 है। टच करके देखेंगे, पीवी करते समय में देखेंगे, वो डायमंड शेप में दिखाई नहीं देगा, थोड़ा बहुत उसका साइज कम हो गया होगा, राइट। ओके फाइन, यहाँ पर इसको पीवी करेंगे, यहाँ इसमें पीवी करेंगे, तो यहाँ पर इट इज ओवरलैपिंग, एक दूसरे से थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग हो रहा है, बट छोड़ दिया है वो वापस अपना जगह में रिड्यूस हो जाता है। स्पेशली कंट्रैक्शन का समय में देखेंगे थोड़ा बहुत होगा, रिलैक्स हो गया, फिर पीवी करके देखेंगे तो इट विल बी फाइन। बट बात यहाँ पर देखो, लुक एट द बोन्स ओवर हियर, सो दिस इज टोटली ओवरलैप्ड, सो इररिड्यूसेबल, मतलब एक दूसरे से ओवरलैप हो गया। बच्चा बाहर आते समय में मोस्टली आईयूडी, इंट्रायूटरिन डेथ हो गया, तो उस बेबीज में इस प्रकार की होती है। सी लुक एट दिस वन, सो दिस इज कॉल्ड एज अ मोल्डिंग। देखो ये वाला जो है फीट, जो पेल्विस है ये सही नहीं है, राइट, मतलब इसका शेप ढंग से है ही नहीं। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन इट इज गोइंग टू कम, सी लुक एट दिस वन, ये है सिंफाइसिस पीबस, पीछे है सेक्रल प्रोमोटरी, जब आते समय में सी लुक एट दिस वन, इट इज ओवरलैपिंग, सी यहाँ पूरी ओवरलैप हो गया, सो अल्टीमेटली दैट विल बी द थर्ड डिग्री मोल्डिंग की हो गया। सो लेट वी नो अबाउट, ओके, रिमूव द फिंगर्स फ्रॉम द सर्विक्स एंड इंट्रोड्यूस द फिंगर्स इन द पेल्विक कैविटी। अभी पेल्विक कैविटी में, अभी हम लोग ने जो भी लेबर की जो प्रोग्रेस है वो पूरा देख लिया, अभी पेल्विक कैविटी में हाथ डाल के देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, गायनेकोड पेल्विस के बराबर है क्या, चेक करना है। फील फॉर सेक्रल प्रोमोन्ट्री विच विल नॉट बी टिप्ड, सो यहाँ पर आपको सेक्रल प्रोमोन्ट्री चेक करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट दी प्रोमिनेंट, द फर्स्ट बोन, प्रोट्रूडिंग बोन इज कॉल्ड एज ऑफ द सेक्रम इज सेक्रल प्रोमोन्ट्री कहता है, राइट। ये बाकी जो 5 बोन्स फ्यूज्ड है, कौन सा सेक्रम इज। सो यहाँ पर जो पीवी करते समय में क्या करना पड़ता है, ये पीवी करते समय में वो टच नहीं कर पाएंगे। इफ इट इज नॉट टिप्ड इट मीन्स द पेल्विस इज एडिक्वेट। सो वाई टू डिटेक्ट कंट्रैक्टेड पेल्विस आर नॉट, हमने ये पिक्चर को पहले ही दिखा दिया था। कंट्रैक्टेड पेल्विस मतलब है कोई भी जो जो डायमीटर्स है 0.5 सेंटीमीटर की जो कम होती है, तो क्या होगा, उसको छोटा पड़ जाएगा। फीटस का आते समय में, फाइनली आते समय में उसको ओवरलैपिंग ऑफ द बोन्स हो जाएगा, इसलिए हमको उसको कंट्रैक्टेड पेल्विस के बारे में चेक करना इम्पोर्टेंट है। सो पेल्विस में हम लोग ने पढ़ा है क्या क्या पढ़ा है, ब्रिम पढ़ा है, और ओके, पहले हम चेक करेंगे, डिटेक्ट द कंट्रैक्शन एट द ब्रिम चेक करना है, मिड पेल्विस में चेक करना है, फाइनली आउटलेट में भी चेक करना है। सो ब्रिम में क्या चेक करेंगे, डायगनल कॉन्जुगेट। सो व्हाट इज दिस, इज डायगनल कॉन्जुगेट इज दिस वन इज लोअर बोर्ड ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबस से लेकर सेक्रल प्रोमोन्ट्री मिड पॉइंट तक एक सीधी एक लाइन बनती है। ओके, दैट इज गोइंग टू बी द डायगोनल कॉन्जुगेट कहता है। इट इज एक्चुअली 12 सेंटीमीटर होती है, बट बात ये हमारे इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, इट इज ओनली ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट। ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होता है, जो सिंफाइसिस की मिड पॉइंट होती है, ओके, सिंफाइसिस की जो अंदर इनर पार्ट ऑफ द मिड इनर मिड पॉइंट ऑफ द सिंफाइसिस प्यूबिस टू द सेक्रल प्रोमोन्ट्री होती है ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट, वो तो नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम होती है। इसलिए व्हाट इज द टेक्निक इज लाइक 1.5 to 2 सेंटीमीटर उसमें माइनस करेंगे, वी विल बी एबल टू गेट दिस नॉर्मल टेम्परेचर इज सॉरी कॉन्जुगेट इज। फाइनली, सो इफ द मिडिल फिंगर फेल्स टू रीच द सेक्रल प्रोमोन्ट्री और टचेस विद डिफिकल्टी, इट मीन्स द पेल्विस इज एडिक्वेट। सो एक तो डायगोनल कॉन्जुगेट चेक कर लिया, दूसरा क्या है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, पोस्टीरियर, सो सामने दिख रही थी वो एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर माने इसका अंदर में क्या होगा, यूजुअली इट शुड बी स्मूथ एंड राउंड कर्व, वहां पर कोई एंगुलेशन नहीं होना चाहिए, बहुत शार्प नहीं होना चाहिए, नहीं तो ब्रेक वहां पर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है वो गड़बड़ है, बेबी नॉर्मली डिलीवरी नहीं हो पाएगा। इलियोपेक्टिनल लाइन, सो लैंडमार्क्स में पड़ा है इलियोपेक्टिनल लाइन वगैरह है नहीं, सो दिस इज अ इलियोपेक्टिनल लाइन। ओके,
सो यहाँ पर चेक करना है व्हाट यू हैव टू चेक वेदर इट इज गोइंग टू हैव अ ब्रेक और नॉट. सपोज ये जो आगे में ये राउंड होना चाहिए राइट, इन दैट केस क्या होता है यहाँ ब्रेक हो जाते कभी कभी यहाँ पर वो एंड्रॉयड हार्ट पेल्विस ये देखो हार्ट बन गया. ओके हार्ट बन जाएगा सो वो नहीं होना है. सो इलियोपेक्टिनल लाइन्स को लगाकर देखना पड़ेगा. नेक्स्ट वन यू आर सपोज टू चेक अबाउट द सैक्रो सायाटिक नॉच. ओके सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इंट्रोड्यूस टू फिंगर्स इन सैक्रो सायाटिक नॉच व्हिच अकोमोडेट टू फिंगर्स. दिस इज हाउ इट लुक्स. ओके सो टू फिंगर्स आपका अंदर डालना पड़ेगा. ओके सो व्हाट इज द नॉच इज एक्चुअली इज मोस्टली द एंड पार्ट ऑफ द कोई भी बोन्स होती है उसको बोलते हैं नॉच है ना. सो सेक्रम है दिस इज अ सेक्रम राइट. सो सायाटिक मीन्स हियर द नर्व्स वन व्हिच विल कम सायाटिक नॉच. ओके सायाटिक नर्व होती है तो यहाँ से आती है. सो व्हाट यू सपोज टू डू इज टू फिंगर्स लगा के देखना पड़ेगा वहां पर आपको सफिशियंट जगह है या नहीं है. सो ये जगह अच्छा है तो पोस्टीरियर सेगमेंट में एडिक्वेट करके वो दिखता है बस इतने ही है. और साइड वॉल्स और यूजली इट विल बी वेरी लो और इट विल नॉट बी स्ट्रेट और समथिंग लाइक दैट. सेक्रम कैसे देखना है, सेक्रम के लिए सेक्रल कर्वेचर चेक करना पड़ेगा. यूजुअली अभी तो बताया था लाइक सेक्रल प्रोमोन्ट्री टिप नहीं होता है बट उसका जो सेक्रल कर्व जो पांच बोन्स जो फ्यूज होती है वो क्या करता है इट हैज टू बी लाइक कर्व्ड. इट हैज टू बी कर्व्ड. ओके इट शुड नॉट बी स्ट्रेट. सो इट शुड बी स्मूथ शॉर्ट एंड वेल कर्व्ड एंड समटाइम्स अबनॉर्मलिटी में ये स्ट्रेट भी हो सकता है. दैट इज वॉट यू आर सपोज टू चेक इट. इफ इट इज गोइंग टू बी कर्व सो बेबी अच्छे से इंक्लाइन करके बाहर डिलीवरी का समय में आ सकते हैं. हिस्चियल स्पाइंस वो तो स्टेशन का समय में देख लिया था. सो यू आर सपोज टू चेक अपर हिस्चियल स्पाइंस एंड फोर पेल्विस ऑल्सो राउंडेड होना चाहिए. हिस्चियल स्पाइंस कैसे होना चाहिए, ब्लंट होना चाहिए, शार्प नहीं होना चाहिए. सो लुक एट दिस वन. ओके सो दिस इज नॉट द इस्टियल स्पाइनस, दिस इज इस्टियल स्पाइनस. सो यू आर सपोज टू चेक. ओके इफ इट इज गोइंग टू बी शार्प क्या होगा यहाँ पर बेबी आते समय में वो एक ऑब्स्ट्रक्शन बन जाएगा. सो दैट इज वाई यू आर सपोज टू चेक दिस वन ब्लंट और इट इज गोइंग टू बी शार्प. डिफिकल्ट टू पैल्पेट एक्चुअली. सो इट समटाइम्स दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू लाइक सपोज यहाँ पर फीटस आते समय में ये सपोज ये प्रोमिनेंट हो जाएगा तो बेबी का हेड यहाँ पर उसमें बाहर आने नहीं देगा. ओके दैट्स व्हाई इट इज सपोज टू बी चेक. एंड इंटर स्पाइनस डायमीटर. ओके स्पाइन्स सो इस्टियल स्पाइन्स स्पाइनस सेम. ओके इंटर स्पाइनस टू फिंगर्स डालना पड़ेगा और दोनों साइड में आपको डाल के उसे चेक करना पड़ेगा. गायनेकोइड पेल्विस में इट इज नॉट पॉसिबल एज द इंटर स्पाइनस डायमीटर इज एवरेज. इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड इट आउट. ओके सो दैट्स व्हाट वी फाउंड इट इन द लास्ट वन. सो यहाँ और यहाँ पीवी करते समय में क्या होता है इट इज वेरी डिफिकल्ट. दोनों उंगलियों का स्प्रेड करके टच करके देखना है स्पाइन्स को. सो ये 10.5 सेंटीमीटर के आसपास में होता है. इट इज बाई स्पाइनस डायमीटर भी कहते हैं. डायमीटर बिटवीन दी व्हाट इज दैट इस्चियल स्पाइन्स टिप एंड सैक्रोसाइटिक नॉच तो हम लोग ऑलरेडी देख लिया था. और साइड वॉल्स में क्या चेक करना है. ओके साइड वॉल्स पे यू आर सपोज टू चेक अगेन द डायमीटर ऑफ द इंटर सॉरी फील साइड वॉल्स ऑन द बोथ साइड्स टू चेक वेदर दे आर पैरेलल. पैरेलल है या नहीं है देखना है. ओके सो दिस इज व्हाट दिस इज पैरेलल. सो इक्वल होना चाहिए. कभी टेढ़ा कभी इधर टेढ़ा कभी इधर टेढ़ा नहीं होना चाहिए. ओके इट शुड बी पैरेलल एंड डाइवर्जेंट. इट शुड नॉट बी कन्वर्जेंट नहीं होना चाहिए. कन्वर्जेंट मतलब इट इज गोइंग टू जॉइन टुगेदर बट डाइवर्जेंट मतलब इट इज स्प्रेडिंग लाइक दिस. दे मे बी कन्वर्जेंट ऑल्सो. सम ऑफ द पेल्विस विच इज कॉमनली कन्वर्जेंट कैसे होता है वो दिखा रहा है. ए निगली निगली पेल्विस इट इज एब्सेंस ऑफ सेक्रल आला. लुक एट दिस वन. सो आला है ही नहीं यहाँ पर. ओके सो द आला है ही नहीं यहाँ पर राइट. सो द पेल्विस इज ऑब्लिकली कंट्रैक्टेड एट द लेवल्स बट मोर मार्क्ड इन द आउटलेट. सी लुक एट दिस वन. सो यहाँ पर इट इज बहुत है. यहाँ पर जो है डायमीटर थोड़ा बड़ा दिख रहा है यहाँ पर तो बहुत ही छोटा दिख रहा है राइट. दिस इज अ रॉबर्ट पेल्विस है. रॉबर्ट पेल्विस में क्या है दोनों आला. ओके क्या करते हैं वो सीधा सीधा फ्यूज हो गया यहाँ पर कोई टचिंग ही नहीं है राइट. सो ट्रांसवर्सली कंट्रैक्टेड पेल्विस. सो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर होना चाहिए था वो यहाँ पर तो और भी छोटा पड़ गया.
स्कोलियोटिक पेल्विस, काइफोटिक स्कोलियोसिस, स्पाइन की प्रॉब्लम है किसी के भी हो गया तो वही है। दंतैलीकरण क्या होता है, ये बैकवर्ड पहुंच गया, सिलिकोटिसोनेसिस इज बैकवर्ड। सो जो लोअर पार्ट पूरा पूरा क्या करते हैं वो स्ट्रेट नैरो भी हो गया और आगे भी आ गया, दिखी भी नहीं रहा, राइट। सो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द इनलेट क्या होगा, टेढ़ा मोड़ा होगा, सेम पीछे का साइड में थोड़ा ज्यादा है, सामने के साइड में आउटलेट के समय में बहुत कम हो गया। सो सब प्यूबिक एंगल इज नैरो, दैट आई विल टेल यू इन द लेटेस्ट स्लाइड। फनलिंग शेप में होता है, सो यूजुअली माल प्रेजेंटेशन तो होना ही होना है इसमें, पहले से पता चल जाता है। सो इन दैट केस सिजेरियन सेक्शन ही होगा। सो टीबी और रिकेट्स के कारण से हो सकता है। दिस इज ऑस्टियोमलेसिक पेल्विस, कॉमनली कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण से होता है। सो यहाँ पर देखो इट इज पुश डाउनवर्ड्स, कौन सा, सेक्रल प्रोमोनरी, इट इज डाउनवर्ड पुश किया गया, लुक एट दिस एरो इज ओके, एंड द लैटरल पेल्विक वॉल्स अ पुश्ड इनवर्ड, सो लुक एट दिस वन, ये अंदर आ रही है, वो बाहर आ रही, वो डाउनवर्ड हो रही है, ये अंदर घुस रहा है, सो देर बी ऑलवेज अ ब्रेक। तो शेप ऑफ द इनलेट लुक एट दिस वन, दिस इज नॉट एट ऑल राउंड, गायनेकोइड पेल्विस नहीं है, कुछ उल्टा है, राइट। ट्राई रेडिएट मीन्स एक जगह इधर जाती है, एक दूसरा जगह रेडिएट हो रही है, एक तीसरा जगह में रेडिएट हो रही है। तो सेक्रम क्या करेगा, पूरा शॉर्ट हो गया। कॉक्सिक्स क्या हो गया, कॉक्सिक्स इज द, वो पूरी पूरी सामने तरह आ गया, नेट बीडी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो एज आई टोल्ड यू लाइक कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण से ऑस्टियोमलेशिया होती है, उसके कारण से इस प्रकार के पेल्विस होते हैं। रैकिक पेल्विस इज अनदर टाइप ऑफ पेल्विस, दिस इज ओनली टू गिविंग यू एन एग्जाम्पल। आप गायनोकॉइड पेल्विस है पीवी करते समय में, हाँ यही गायनोकॉइड पेल्विस है। सो यू शुड नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेल्विस ऑल्सो, नॉट ऑल द पेल्विस, ओनली फाइव टाइप्स आई हैव गिवन यू एंड दिस इज द लास्ट वन आई सपोज। सो रैकिक पेल्विस क्या होता है, इट इज लाइक रेनिफॉर्म शेप में होती है इनलेट, रेनिफॉर्म का मतलब है इट इज रीनल, रीनल का मतलब किडनी शेप्ड में, के बेसन शेप में होता है, राइट, इट्स किडनी बीन, सॉरी बीन शेप्ड में होता है। सो यहाँ पर ट्रांसवर्स डायमीटर मार्किंग अ शॉर्टनिंग ऑफ द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर विदाउट अफेक्टिंग द ट्रांसवर्स डायमीटर, इट इज ऑलरेडी किडनी शेप में है, सो हियर देयर इज नो इश्यूज ऑफ दैट वन, माइट बी इट इज इंक्रीज ऑल्सो इन दिस वन। सो सेक्रम फ्लैट हो जाती है, बैकवर्ड चल जाता है, शार्प एंगुलेशन, यहाँ पर जो कॉकिक्स होता है पीछे तरह से चले गया ना, तो दिख ही नहीं रहा है, सो दैट विल बी एन एंगुलेशन ओवर हियर। और जो प्यूबिक आर्च बस इसमें बहुत ही मींस इट हैज़ अ वाइडेंड, सो वी कान से दिस इज गोइंग टू बी अ नॉर्मल दिस थिंग, इट हैज़ टू बी रूल्ड आउट, ओके। सो ऑलमोस्ट इसमें होना तो मुश्किल ही है, बट बात यह है लुक एट पोस्टीरियर, सो लुक एट दिस वन, सी दिस इज दिस थिंग, सो बट दिस इज वाइडेंड, दिस इज एक्चुअली राइट, बट थिंग इज यहाँ पर जो यहाँ पर शार्प है, सो मे बी डिलीवरी करते समय में उसको प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स, साइड वॉल्स आपने देख लिया, अभी सेक्रोकोक्सीजियल जॉइंट के बारे में देखेंगे। सो दिस इज व्हाट द सेक्रोकोक्सीजियल जॉइंट, दिस इज फोर बोन्स फ्यूज्ड कॉक्सिक्स, सो हुक हो जाता है, मतलब टाइट है, यूजली वो लूज होना चाहिए, ज्यादा लूज भी नहीं है बट लूज तो होना चाहिए, इफ इट इज हुक समथिंग इज गोइंग टू करप्ट। सब सब प्यूबिक आर्च, सो नॉर्मली जो आर्च होती है इस प्रकार के राउंड, ओके, दिस इज सपोज टू बी, दिस इज अ नॉर्मल प्यूबिक आर्च। सो यू शुड नो अबाउट द वेस्ट स्पेस ऑफ मोरिस, मीन्स फॉर एग्जाम्पल एक डिस्क ले लिया, एक डिस्क का है ये 9.3 सेंटीमीटर हो गया, फॉर एग्जाम्पल फीटस की जो बाइपेट्रल डायमीटर कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर है, सो उस हिसाब के अप्रोक्सीमेटली इट इज कंसिडर्ड, ओके, देर इज नो आई मीन लगा के देखने का नहीं है, दिस इज ओनली मेंटल व्यू इट इज। सो यहाँ पर सपोज वो बेबी का हेड यहाँ पर आ रहा है, इसको जो सिम्फाइसिस प्यूबिस के जो नीचे का स्पेस और ये डिस्कस के बीच में केवल 1 सेंटीमीटर की कम होना चाहिए, सपोज वो ज्यादा पड़ेगा तो ये वाला अफेक्ट होगा, अवेलेबल एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आउटलेट का वो ज्यादा ही मतलब आने का कम प्रॉब्लम होने का चांसेस होती है, इट इज नॉर्मल प्रॉब्लम होता है। सब प्यूबिक एंगल होता क्या है, ओके, दिस इज व्हाट द प्यूबिक रैम है, यू नो राइट, दिस इज इंफीरियर, इंफीरियर मतलब नीचे है, ये प्यूबिक रैम ही होती है, ओके। सो इफ यू गोइंग टू कीप योर थंब फिंगर एंड योर इंडेक्स फिंगर इन सच अ वे दैट इसका जो एंगल है 80 to 85 एंगल होता है, सपोज आपको जो ये दोनों बीच में रखेंगे, ओके, यू आर नॉट एबल टू बिकॉज इतना बड़ा तो है ही नहीं रहा कुछ स्प्रेड करने के लिए, सो इफ यू गोइंग टू डू इट विद द टू हैंड्स जस्ट लाइक अ वी,
सो दिस विल बी ओनली 50 to 60 आसपास में, ये मतलब जो एंगल में होता है. सो दिस इज एंड्रॉयड पेल्विस कहते हैं, दिस इज नॉट फिट फॉर एनवीडी एंड बट दिस इज गायनेकॉइड, ए नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी के लिए दिस इज पॉसिबल. सो लुक एट दिस वन, सो दिस इज व्हाट, सो 80 to 85, दिस इज 80 to 85 डिग्री सब प्यूबिक एंगल होती है एंड हियर इट इज ओनली 50 to 60 एंगल पे होता है. दिस इज एंड्रॉयड, दिस इज हार्ट शेप्ड वन. ओके, सो हाउ डू यू चेक दिस प्यूबिक एंगल इज ऑल्सो, इट्स लाइक असेस द सब प्यूबिक आर्क बाई इंट्रोड्यूसिंग 3 फिंगर्स हॉरिजॉन्टली. 3 फिंगर्स के यहाँ पर लगा के देखना, 1, 2 एंड 3 फिंगर्स लगा दिया. बट बात यह है, दिस मीन्स दैट लाइक 90 डिग्री एंगल में भी बेबी आने का बहुत स्पेस है. इट इज फाइन, इट्स गुड, बट यहाँ पर इट अकोमोडेटिंग नहीं हो रहा है. यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पर टिप में आएगा इसका उंगली, सो इट्स ओनली 2 फिंगर्स आर फिट. सो इन दैट वे दिस इज नॉट गोइंग टू बी फिट एंड 3 फिंगर्स है तो इट इज एडिक्वेट, पेल्विस इज एडिक्वेट, सो बेबी कैन डिलीवर नॉर्मली. ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ आउटलेट, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन वी आर सपोज टू चेक फॉर द डिटेक्शन ऑफ कंट्रैक्टेड पेल्विस. सो फील द इस्कियल ट्यूबरोसिटीज ऑन द बोथ साइड्स एंड ट्राई टू अकोमोडेट द 4 नकल्स and in between, and if it accommodates it indicate the transverse diameter of outlet is approximately 10 centimeter as hand is withdrawn from the vagina, note for any bladder or amniotic fluid at this time. Okay, so here what is supposed to be seen is this is the transverse diameter of the outlet is, so you're supposed to know about the what is that transverse diameter of outlet. Outlet inlet देखा है, cavity देखा, outlet भी है, उसका transverse diameter क्या है? उसका तो है intertuberous, tuberous is 11 centimeter. ओके, सो इंटरट्यूबरस का मतलब कैन यू सी दिस वन, दिस इज इचियल ट्यूबरोसिटी, ट्यूबरस. ओके, इंटरट्यूबरस ये दोनों को ट्यूबरस के बीच में, इनर बॉर्डर में, इट इज नॉट आउटर बॉर्डर. ओके, इनर बॉर्डर में इसका 11 सेंटीमीटर आसपास में होना चाहिए. सो हाउ डू यू चेक इट इज गोइंग टू बी एडिक्वेट और नॉट, दिस इज द वे आर सपोज टू डू द प्लेसिंग इन 4 नकल्स. ओके, 1, 2, 3, 4, 4 फिंगर्स यहाँ पर रख दिया मोड़ कर. सो इन फर्स्ट ऑफ इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स ऑफ द नकल्स ऑफ द क्लिंच्ड फिस्ट टू इसियल ट्यूबरोसिटी के बीच में रख दिया तो ये हो जाना चाहिए. सपोज आपको वो दोनों आई मीन ट्यूबरोसिटी फील हो रहा है उसके बीच में, तुम्हारा चारों उंगली इसमें हो जा रहा है, नकल्स जा रही है, सो इट मीन दैट इज इट इज एडिक्वेट. ओके, नॉर्मली इट अकोमोडेट्स 4 नकल्स. सो फाइनली क्लीन द मदर एंड रिपोजिशन अ कंफर्टेबली एंड डॉक्यूमेंट द टाइमिंग्स एंड फाइंडिंग्स इज मोर इम्पॉर्टेंट. सो अदर पर्सन हैज शुडंट हैव टू कम एंड रिपीट इट अगेन. इफ इट इज ऑलरेडी बीन द पार्टोग्राफ, पार्टोग्राफ में उसको मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है और रिप्लेस में इक्विपमेंट्स. आई होप आई हैव डन आई मीन अ थरो एनालिसिस ऑफ परवेजनल एग्जामिनेशन. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन हैव अ कमेंट एंड you can write if you have a choice of interest in the comment. Let me have a look and then I can upload a video.